फ्रेंड्स, मैं आज आपको आईफोन 7 और 7 प्लस के बारे में कुछ फीचर्स और कुछ न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सितंबर को आईफोन 7 और 7 प्लस लॉन्च हुआ है सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएस में है। इसके सीईओ टिम कुक हैं जिन्होंने इसे लॉन्च किया है, और मैं इसके कुछ की फीचर्स और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा जो कि मुझे ऑनलाइन साइट्स और वीडियोस से पता चला है। तो इसके कलर के बारे में बात करें तो इसमें एक नया वेरिएंट या एक नया कलर ज्वाइन हुआ है जिसका नाम है जेट ब्लैक। जेट ब्लैक कंपनी का ये नया कलर है जो कि इस मॉडल के साथ लॉन्च हुआ है। बाकी सब कलर्स जो कि सिल्वर, जैसे कि सिल्वर, ब्लैक, गोल्ड और रोज गोल्ड तो है ही, इसके साथ आएंगे। तो ये 32 GB, 64 GB, 128 GB और 256 GB के वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा। 32 GB का प्राइस इंडिया में 55,000 से स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ इसकी स्टार्टिंग रेंज है आईफोन 7 की। आईफोन 7 प्लस की रेंज थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे मेन फीचर इसका है वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट, जो कि IP67 स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। कंपनी दावा करती है कि डस्ट रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट है, जिसे आप किसी भी कंडीशंस में वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट में फॉलो कर सकते हैं। तो आईफोन 7 में 12 मेगापिक्सल का रियर और फ्रंट 7 मेगापिक्सल का कैमरा है। दोनों ही कैमराज इमेज स्टेबिलाइजेशन का फीचर मौजूद है दोनों ही कैमरों में, और जो कि फास्ट पिक्चर क्लिक करने में मदद करते हैं। इस दोनों ही कैमरे का एपेचर 1.8 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वाइड एंगल आपको फोटोग्राफी लेने में मदद करेगा। क्वाड एलईडी फ्लैश दिया गया है जो कि फोर टोन एलईडी है, जिसमें आपको ब्राइटेस्ट लाइट मिलेगी। जब आप फोटो क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्ट फ्लैश लाइट मिलेगी, और दोनों ही iOS 10 पे चलते हैं, जो कि एप्पल का नया OS है, जो कि बताता है कि ये इसमें कई फीचर्स हैं और कई सॉफ्टवेयर्स और फंक्शंस दिए गए हैं। इन दोनों फोन्स में iPhone 7 और iPhone 7 Plus में डुअल स्टीरियो या डुअल स्पीकर लेकर आई है। दोनों ही स्पीकर्स लाउड और क्लियर वॉइस और डायनेमिक वॉइस देंगे, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। एक स्पीकर होगा फ्रंट या तो कहीं टॉप में, और एक होगा बॉटम में। कुछ नया किया है इस बार उसने अपने फोन्स का डिज़ाइन चेंज करते हुए 3.5 mm जैक नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने सॉन्ग्स या म्यूजिक सुनना है तो आपको ब्लूटूथ हैंडसेट का यूज़ करना पड़ेगा। और एप्पल ने इस बार एक नया फीचर या एक नई डिवाइस लॉन्च की है, एयर आईपॉड, जो कि वायरलेस डिवाइसेज है, जिसके आप अपने एप्पल आई वॉच और आईफोन से कनेक्ट करके म्यूजिक सुन सकते हैं। और अगर आपको वायर से सुनना है तो आप इसके चार्जिंग केबल से कनेक्टर चेंज करके आप गाने सुन सकते हैं। एप्पल ने इस बार एक और नया फीचर अपने होम बटन्स या टच सेंसर में किया है, फीचर के साथ कई फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि डबल प्रेशर दबा के कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन खोलना हो, या कैमरे दिए गए हैं। दोनों ही रियर कैमरे 12 मेगापिक्सल के हैं, और दोनों ही इमेज स्टेबलाइजेशन और 2x ऑप्टिकल जूम की फैसिलिटी देते हैं। एप्पल ने इस बार अपना नया प्रोसेसर A10 इसमें दिया है, जो कि 64 bit का है और 4 core का यूज़ करता है। एप्पल का मानना है कि ये iPhone 6 और iPhone 6 Plus में से 6 और iPhone 6 Plus से 40% ज़्यादा तेज होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एक्स्ट्रा न्यूज़ अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।